हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 पीएसईबी सीबीएसई का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 5 कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और अगर आपको बैलेंसिंग वगैरह सीखनी है तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस 3 और 4th वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और उसकी जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से ही पता लग जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर एक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हो तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन होता है वो कॉपर को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह बना लेता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल ने क्या किया, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे जिंक को जब आपने कॉपर सल्फेट में डालते हो तो जिंक सल्फेट बनता है साथ में कॉपर। यहाँ पे जिंक भी क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है। सिमिलरली जब आप लेड को कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में डालते हो तो लेड क्लोराइड बनता है साथ में कॉपर। तो इन तीनों रिएक्शन में क्या है, जिंक, लेड और आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए उन्होंने क्या किया, कॉपर को उसके कंपाउंड में से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन जिनमें क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ आयन होती है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज होते हैं, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे क्या किया, सोडियम ने क्या किया, बेरियम को डिस्प्लेस किया है, या फिर यहाँ बेरियम क्या हो गया, इसने ये सोडियम को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में यही क्या होता है, दो जो आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में दो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपने आयन्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इसने Cl2 ले लिया, इसने SO4 ले लिया, तो रिएक्शन क्या हुई, BSO4 प्लस 2NaCl। सिमिलरली यहाँ पे जब बेरियम सल्फेट में आप क्या करोगे, H2SO4 मिक्स करोगे तो ये क्या करेगा, ये क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस साथ में क्या बनेगा, 2HCl। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। आप नहीं तो नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट वाली साइड पे जो वो है एटम्स उनको काउंट कर सकते हो, प्रोडक्ट वाली साइड पे एटम्स को काउंट करके देख सकते हो। तो ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कई बार क्या होता है, जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तो आप देखते हो कि एक इनसॉल्यूबल पाउडरी सा सब्सटेंस बनता है जो कि पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। रिएक्शन इन विच अ व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। रिएक्शन जिसमें एक व्हाइट सब्सटेंस बनता है जो कि पानी में इनसॉल्यूबल होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो व्हाइट सब्सटेंस बनता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दौरान उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया तो ये BaSO4 बना, साथ में बना 2NaCl। तो ये जो BaSO4 बना ये क्या है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को हम लोग ऐसे डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। अगर जैसे H2 लिखा होता है, H2 के साथ ये अपवर्ड एरो है, इट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो क्या, गैस फॉर्म में है। अपवर्ड एरो का मतलब है गैस फॉर्म और ये डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को हमेशा डाउनवर्ड एरो से शो किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे 2Cu प्लस O2, कॉपर और ऑक्सीजन को जब हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना। यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन CuO प्लस H2। यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज की है और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है रिडक्शन।
रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस सी, जिंक ऑक्साइड और कार्बन को जब रिएक्ट करवाया तो बना कॉपर कॉपर ऑक्साइड और साथ में बना जेड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में बना जिंक। यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को रिएक्ट करवाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में जिंक बना है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया। तो जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज की है, तो ये क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद आती है रिडॉक्स या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इस तरह के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, पहले कॉपर ऑक्साइड था, बाद में क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे CuO प्लस Cu, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। एक और एग्जाम्पल दे रखी है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन पहले अकेला था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गई है, तो मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया है, तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया है और ये जिंक बन गया, तो ये हो रही है रिडक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये हमारी डेली लाइफ में भी होती है, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है हमारी डेली लाइफ में भी कुछ इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कोरोजन, द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, जब आयरन आर्टिकल्स आप नए खरीद के लाते हो तो वो थोड़े शाइनी होते हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर वेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए खुले में रख दो तो ये क्या होता है, ब्राउनिश से होते हैं, रेड ब्राउन पाउडर साइन के ऊपर जम सा जाता है। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके अगर कोई आयरन ने ले लो, उसको एक दो हफ्ते के लिए आप बाहर छोड़ दो और उस पर बारिश का पानी पड़ेगा और वो शाम को अगर हवा लगेगी उस पर, तो एक हफ्ते के बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो जो आयरन नेल होती है वो ब्राउनिश कलर की रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको क्या होता है, रस्ट लग जाती है। When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corroded. जब एक मेटल से मेटल में क्या होता है, उसके आसपास के जो सब्सटांस होते हैं जैसे मॉइस्चर और एसिड अटैक करते हैं तो हम उसको बोलते हैं करोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटांस क्या होता है, करोड होता है, इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ करोजन। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने सिल्वर पहना है तो सिल्वर की जो चेन होती है, सिल्वर का जो ब्रेसलेट होता है या सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक से होने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, करोड हो जाते हैं। या फिर जो कॉपर होता है उस पर जो ग्रीन सी कोटिंग होती है वो क्या होती है, करोजन के कारण ही आती है। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings. अब corrosion के कोई फायदा नहीं है, corrosion के नुकसान है। corrosion के कारण जो कार की बॉडीज होती है वो डैमेज हो जाती हैं, जो हमारे ब्रिजेस होते हैं उन पे जंक लग जाता है और कुछ टाइम के बाद वो टूट जाते हैं, फिर आयरन रेलिंग्स खराब हो जाती हैं, शिप्स खराब होती हैं, और जितने भी मेटल्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब पे क्या होता है, नुकसान होता है। Corrosion is a serious problem. Every year, enormous amount of money spent to replace damaged iron. करोजन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और हर साल क्या होता है, बहुत सारा मनी जो होता है, जो पैसा होता है वो वेस्ट होता है डैमेज आयरन को रिप्लेस करने में, उसकी जगह नया आयरन लगाने में बहुत पैसे खराब होते हैं। और करोजन से बचने के तरीके क्या है कि आप क्या है, जो आपके आयरन आर्टिकल्स हैं उनको पेंट कर दो या फिर उसको गैल्वनाइज करो, इलेक्ट्रोलाइज करो, इलेक्ट्रोलिसिस, इसके कुछ मेथड भी हैं ताकि आप आयरन की जो करोजन है उसको रोक सको, उसके लिए आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर दो। रेंसिडिटी, When fats and oils are oxidized, they become rancid. जब हमारा खाना होता है, कई बार सब्जी जो होती है जब वो क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो ऑयल या फैट का जो खाना होता है जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो वो रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चीजें चेंज हो जाती हैं। इस तरह का खाना क्या होता है, खाना हमारे लिए सही नहीं है।
यूजुअली फिर हमारे जो खाना होता है यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. तो हमारे जो खाना होता है उसमें ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं एंटी ऑक्सीडेंट एंटी वो डाले जाते हैं जिसके हमारा खाना जो है खराब ना हो. स्पेशली जो बाजारों में जो ऑयली फूड मिलता है जो पैक्ड होता है टिन के बॉक्सेज में, उनमें क्या होता है खाना फूड प्रिजर्वेंट डाला जाता है ताकि जो खाना है वो खराब ना हो और आप उसको जितने टाइम बाद कंज्यूम करो वो सही रहे. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो ऑक्सीडेशन. अगर आप जो आपका खाना है उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखो तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. जैसे बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गई, अगर आप उसको एक बार खोल के खुला छोड़ देते हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो खराब हो जाती है. बट अगर आप उनको एयर टाइट कंटेनर में डालो तो वो वैसी ही रहती है, काफी हद तक ऑक्सीडेशन रुक जाती है. और जो हमारे चिप्स वगैरह के होते हैं जो हम बाजार से चिप्स लेते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है ताकि वो जो हमारा खाना है वो ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो और खराब ना हो. इसीलिए जो बैग चिप्स बैग्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है. और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो खत्म होता है.